आपका होस्ट टीएम नमान अली और आप सुन रहे हैं मीट विद जिन्स। आज का वाकया खानेवाल से हमीदा बीबी ने 8 साल के। तो आइए सुनते हैं हमीदा बीबी का वाकया। मेरा नाम हमीदा है और मैं खानेवाल की रिहायशी हूँ। ये वाकया मेरी वालदा के साथ पेश आया और ये इंडिया के शहर खतौली में पेश आने वाला वाकया। हमारे अबाओ अजदाद की बहुत बड़ी हवेली थी और उस हवेली में एक कोने पर एक दरख्त था, तो बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था और उसके नीचे मेरी अम्मा की चौकी बिछी थी। जिस चौकी पर बैठकर मेरी वालदा इबादत किया करती थी। मेरी वालदा को शुरू से वजीफे वजाइफ करने का शौक रहा है। आप नेक वजीफे जात किया करती थी और मेरी वालदा जो हैं वो तहज्जुद गुजार और 5 वक्त की नमाजी थी। सारा दिन हाथ में वजीफों की तस्बीह होती थी। अम्मा कम ही किसी से बात करती थी और जब बात करती हमने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा। बहुत खुश मिजाज थी। बताती हैं कि जब हम छोटे थे और अक्सर उनकी चौकी के इर्द गिर्द खेला करते थे तो वो हमें अक्सर मना करती थी कि यहाँ पर कम आया करो। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको इंसानी आंख नहीं देख सकती, तो कुछ ख्याल रखा करो और यहाँ से थोड़ा हट कर खेला करो। बताती हैं कि मैंने हमेशा उस चौकी पर बैठे अपनी वालदा को इबादत करते हुए देखा। तो जो जो हम बड़े होते गए तो हमें कुछ अजीबोगरीब तजर्बात से गुजरना पड़ा जो कि नहायत ही गैर मरई थे, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब हम छोटे होते तो हम अक्सर देखते थे कि रोज सुबह जो है वो अम्मा की चौकी के इर्द गिर्द जो है वो अगरबत्तियाँ जली होती थी और उनकी खुशबू बड़ी मशहूर कुन होती थी। अगरबत्ती की बाबत मैं आपको बताता चलूँ, ये कॉन्सेप्ट है कि आलम अरवा से अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को इजाज़त होती है कि वो जमेरात को अपने प्यारों से मिलने जो है इस आलम में तशरीफ लेकर आती हैं। और कई जिन्नात जो नेक होते हैं उनका गुजर भी होता है, तो अगर की खुशबू सुनकर वो कुछ देर उस मकाम पर ठहर जाते हैं तो इसीलिए जो है वो अगरबत्ती जो है वो जुमेरात के जुमेरात ज़रूर अपने घर में लगानी चाहिए। वैसे भी घर में एक हसीन तरीन खुशबू चारों तरफ फैल जाती है जो कि बहुत भली मालूम होती है। अगर आप अगरबत्ती अपने घर में नहीं लगाते तो एक बार ज़रूर मेरे कहने से ट्राई कीजिए, देखिए कि फिर ये आपका मामूल बन जाएगा और आपको खुद ही अमल अच्छा लगेगा। बहरहाल तो हम देखा करते थे कि हमारी अम्मा के चौकी के गिर जो है वो दोनों तरफ में अगरबत्तियाँ लगी हैं, तो अब्बा भी पूछते थे कि अगरबत्तियाँ कहाँ से आई हैं। अम्मा यही कहकर बहला देती थी कि ये मुरीद लेकर आए। कहते हैं कि अब्बा भी मना करते थे कि उस चौकी के इर्द गिर्द जो है वो मुझे जो है वो बहुत भारीपन महसूस होता। बताती हैं कि ये एक सर्दियों की रात है, इशा के टाइम अम्मा नमाज पढ़ रही थी तो हमने देखा कि अम्मा की चौकी के इर्द गिर्द जो है वो काफी सारी काले रंग की बड़े साइज की बिल्लियां बैठी। बताती हैं कि मैं अम्मा की चौकी के गेट पढ़ रही थी कि अम्मा ने इशारे से मुझे वहीं रुक जाने के लिए कहा और यकदम उन बिल्लियों ने जो अम्मा की तरफ देख रही थी एक साथ गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। तो आप यकीन जानिए कि मेरी खौफ से गिग्गी बंद गई
लाल सुर्ख आंखों वाली वो बिल्लियां बहुत ही पुरेसरार और अजीब थी, और उनके कान भी एक आम फिरने वाली बिल्ली से कदरे लंबे और ऊपर की तरफ सीधे खड़े थे, जिस तरह जंगली बिल्ली के कान होते। वो बताते हैं कि मुझ पर बहुत दहशत तारी हुई और मैं वापस अपने कमरे में चली गई, और सुबह ये वाकया जो है वो मैंने अम्मा से पूछा कि वो बिल्लियां कहाँ से आई इतनी सारी। तो अम्मा ने कहा कि अक्सर वो बिल्लियां आ जाती हैं जब मैं वजीफे करती हूँ, तो वजीफों की जकात के लिए मैं कुछ गोश सदका करती हूँ। तो बताती हैं कि ये वाकयात हैं जो उनकी अम्मा के साथ पेश आते थे। मैंने आज तक इतनी हैबतनाक और खौफदारी करती हुई बिल्लियां नहीं देखी। तो अम्मा ने इस बाबत यही बताया और सत्के वाली बात कह दी। तो फिर ज्यों ज्यों हम बड़े हुए तो हमें मालूम हो कि अम्मा जो वजीफे वजाइफ करती हैं वो कुछ इस किस्म के वजीफे वजाइफ हैं जिनके करने से जो है वो कई जिन्नात जो हैं वो अम्मा के ताबे हैं। और एक दिन अब्बा ने भी देखा कि अम्मा की चौकी के इर्द गिर्द बहुत लंबे कद के साए हैं जो उनके अतराफ चक्कर काट। अब्बा ने ये मंजर देखा तो करीब जाने की कोशिश की। तो बताते हैं कि अम्मा आंखें बंद किए वजीफा कर रही थी, तो जब उन्होंने आंखें खोली तो वो आंखें अम्मा की आंखें नहीं थी, बल्कि उन आंखों में जो है वो एक जबरदस्त किस्म का जलाल था। अब्बा ने देखा कि ज्यों ही वो चौकी के नजदीक से नजदीक तर होते जा रहे हैं, तो जो साए अम्मा की चौकी के इर्द गिर्द तवाफ की सूरत घूम रहे हैं, अचानक से वो साए रुक गए और उनके जिस्मों में आग लगी। होया कि वो मुकम्मल आग की सूरत इख्तियार कर गए। और अम्मा ने जब आंखें खोली और अब्बा को देखा तो उनकी आंखें इस तरह थी जैसे लाल अंगारा आंखें, और अब्बा कहते हैं कि वो आंखें तुम्हारी वालदा की आंखें थी। वो आंखें इस तरह थी कि नहायत पुरजलाल आंखें थी और नहायत गैज़ व गज़ब उन आंखों में था, और सुर्खी के डोरे उन आंखों में तैर रहे थे। अब्बा अम्मा की इस हैयत को देखकर अंदर से कांप से गए और पूरे जिस्म में खौफ तारी, लेकिन अब्बा ने फिर भी आगे बढ़ना ना छोड़ा। ये वंशियत थी जो अब्बा अम्मा से रखते थे। बताते हैं कि अचानक से अब्बा ने देखा कि अम्मा की चौकी हवा में बुलंद होती चली गई और नहायत ऊपर पहुंच गई। ये मंजर देखकर अब्बा के आवाज जवाब दे गए और अब्बा वहीं चौकी के नजदीक बेहोश हो गए। देखते ही देखते जो है वो अम्मा की चौकी को आग लग गई, और अब्बा ने देखा कि अम्मा जो है वो उस आग के अंदर झुलस रही। तो ये मंजर देखकर अब्बा ने एक चीख मारी और बेहोश हो गए। जब अब्बा को होश आया और उन्होंने देखा तो अम्मा उनके सरहाने ही मौजूद थी, और जब अब्बा के कुछ आवाज बचा हुए और उन्होंने इस बाबत अब मेरी वालदा से पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद आपने कोई ख्वाब देखा होगा और आप डर गए हैं। मैं तो बिल्कुल सही सलामत हूँ और आपके सामने बैठी हूँ। बताते हैं कि हमारी अम्मा की शख्सियत इसी तरह की नहायत पुरेशान शख्सियत थी, जबकि अब्बा वजीद थे कि उन्होंने ख्वाब नहीं देखा, बल्कि जो कुछ देखा है वो हकीकत की आँख से देखा। मोहल्ले में कई औरतें मेरी वालदा से दम भी कराने आती थी, और मेरी वालदा जो दुआ करती थी वो दूसरों के हक में कबूल भी हो जाती। बताते हैं कि जब तक अम्मा जिंदा थी हमें ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई।
और पार्टीशन के बाद हम लोग खानेवाल पाकिस्तान के शहर खानेवाल में शिफ्ट हो गए, और आज भी अम्मा हमें हमेशा याद आती हैं, अक्सर ख्वाब में भी नज़र आती हैं, और मैं ये महसूस करती हूँ कि जो कुछ चीज़ें अम्मा के साथ थी अक्सर अब भी कभी कभी ज़िंदगी के किसी न किसी मकाम पर वो हमारी मदद कर देती हैं। ये वो वाक़या था जो मेरी वालदा से मंसूब है। तो ख़वातीन हज़रात, आपने सुना मीट विद जींस में हमीदा बीवी का वाक़या। इसी तरह का अगर कोई वाक़या आपके ख़ानदान में, आपके इर्द गिर्द और आपके किसी प्यारे के साथ पेश आया है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। अपने होस्ट DM नुमान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।